दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बचपन से हम पढ़ते आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक सेंटेंस दिए रहेंगे, ठीक है, एक कथन, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें पूछा जाएगा कि लुक क्या है, ही क्या है, सिटिंग क्या है, ऑन क्या है, ओल्ड क्या है, चेयर क्या है, एंड क्या है, इज क्या है, स्नोरिंग क्या है, लाउडली क्या है। तो कोई इसमें वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजक्शन है। तो कैसे हम समझे कि कौन शब्द क्या है? पहले समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच क्या होता है। स्पीच मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये स्पीच है, जो आप सुन रहे हैं मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, स्पीच है। आप भी किसी को कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या होता है, स्पीच होता है। आप सुबह से शाम तक स्पीच सुनते रहते हैं, स्पीच बोलते रहते हैं। स्पीच ये नहीं कहीं आप भाषण माइक के सामने देंगे उसी को स्पीच बोला जाएगा। जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हुए, मम्मी पापा से बात करते हैं सुबह से शाम तक, तो ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब स्पीच के पार्ट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये एक सेंटेंस हो गया कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो इसमें मैं कुछ है, खाना कुछ है, खा कुछ है, रहा हूँ कुछ है, हूँ। तो इसमें देखिए कितने पार्ट हो गए, एक दो तीन चार पाँच, ये एक दो तीन चार पाँच। मतलब मैंने एक स्पीच बोली, एक बात कही कि मैं खाना खा रहा हूँ, आपने फ़ोन किया मुझे, मैं बोला कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो मैं खाना खा रहा हूँ ये स्पीच है, इसके पार्ट कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पार्ट हो गए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब कुछ भी मुंह से निकला, एक एक जो वर्ड है वो इन आठों में से कोई हो सकता है, ठीक है। या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है। तो कुछ भी मुंह से निकलता है तो इन आठों में से कोई एक चीज होगा, एक शब्द, ठीक है। तो पूरा जो स्पीच होता है इसका एक एक पार्ट, एक एक वर्ड अलग करेंगे तो एक एक चीज निकल के आएगा कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, और कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको 10 वीडियो और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन करने से ना चीजें और क्लियर हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस है, लुक एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडा और डंडा, ये अंडा नीचे है और ऊपर डंडा। तो लुक, ही इज सिटिंग ऑन एन ओल्ड चेयर, वह बैठा हुआ है पुराने चेयर पे, और एंड इज स्नोरिंग लाउडली। स्नोरिंग मतलब, जिसको अगर नहीं पता होगा, स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेना, सोते वक्त खर्राटे की जो आवाज आती है उसको बोलते हैं स्नोरिंग, ठीक है। लाउडली मतलब तेज आवाज से, अगर कोई बोलता है बोले यार और जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा है, और जोर से बोलो, मतलब और लाउडली बोलो, लाउड स्पीकर, ज्यादा ऊंचा बोलना। तो अगर कोई खर्राटा ले रहा है बहुत जोर से, बहुत बार होता है कि बहुत लोग होते हैं जो खर्राटे लेते हैं तो आसपास में नींद नहीं आती है। तो अगर लाउडली है, लाउडली मतलब तेज, स्नोरिंग मतलब खर्राटा लेना, चेयर मतलब आप जानते हैं चेयर बैठने वाला, एंड लुक ही मतलब वह, इज है सिट मतलब बैठना, इसी का आईएनजी लग गया तो सिटिंग हो गया, ऑन मतलब पर, एंड ओल्ड एक पुराना चेयर पे, ठीक है। अब ये लुक जो है इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो आपको बताया था कि जहां भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, यानी डंडा है और अंडा है, तो ये होता है एक्सक्लेमेशन वर्ड, यानी इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है ये समझते हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है ये समझते हैं। देखिए इंटरजेक्शन होता है एक्सप्रेस फीलिंग इन शॉर्ट, एकदम जल्दी से कुछ कह देना। जैसे आप मैच जीत जाते हैं या बहुत अच्छा चीज देखते हैं तो बोलते हैं वाव, तो वाव क्या है, इंटरजेक्शन है। अगर यहां रहता वाव तो वाव भी इंटरजेक्शन है। तो हम पढ़ते रहते हैं बचपन से, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग फंस जाते हैं, और कोई पूछता है तो भी बता नहीं पाते। तो बिल्कुल ये बेसिक है, ग्रामर इसी से शुरू होता है, शुरुआती चैप्टर है, आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिए वाव, ये हम जीत गए, आ जैसे रियलाइजेशन,
आ डर गए, उप्स, श, बिंगो, बिंगो मतलब एक्नॉलेज समथिंग एज राइट, बहुत अच्छा काम हुआ है तो आपने कहा बिंगो, मतलब आपने एक्नॉलेज किया कि अच्छा काम हुआ। ओह दुख, आउच, ये पी सेलिब्रेशंस। तो ये जितने भी वर्ड्स है, ये वर्ड्स है, ये सारे कौन से वर्ड्स है? इंटरजेक्शन। तो अगर सेंटेंस में ये कोई सा भी वर्ड्स हो इंटरजेक्शन वाले तो आप बता सकते हैं कि ये इंटरजेक्शन है। गिन चुन के कुछ ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो मुश्किल से 10-12 याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन मतलब कि अपना फीलिंग व्यक्त करने के लिए ये शब्द इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, अपना फीलिंग जाहिर करने के लिए, अपना दिल की बात को जाहिर करने के लिए ये सब चीज़ें यूज होती हैं, ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ये वर्ड यूज होते हैं, इसको इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं, ही है, जैसे मान लीजिए कि सलमान है, सलमान बोलूँ कि सलमान इज अ गुड बॉय, अगर सलमान की जगह मैं लगाऊं ही इज अ गुड बॉय, तो सलमान की जगह मैंने यूज किया ही। तो सलमान किसी चीज का नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन, किसी इंसान का नाम, जैसे आपका नाम है जेबा, या आपका नाम है सलमान, या आपका नाम है आमिर, तो आमिर है, जेबा है, या बोर्ड है, मोबाइल है, किसी चीज का नाम या किसी इंसान का नाम, किसी चीज का नाम या किसी इंसान का नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन किसे बोलते हैं? अब हम हिंदी में नहीं जाएंगे कि संज्ञा सर्वनाम, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तब इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। अगर आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने लगे तब तो इंग्लिश सीखना बहुत दिन लग सकता है, क्योंकि हम लोगों को BA इंग्लिश और MA इंग्लिश थोड़े करना है, हम लोगों को ट्रांसलेटर थोड़े बनना है, हम लोगों को जितना कम समय में सीख पाए वो हमारे लिए सबसे बड़ी काबिलियत की बात होगी। तो नाउन किसी भी चीज या किसी इंसान को नाम को बोलते हैं नाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले में यूज होता है, जैसे यहां ही किसके लिए यूज हो रहा है? सलमान के लिए। तो सलमान तो नाउन है क्योंकि इंसान का नाम है, और इन सलमान की जगह यूज हुआ है ही, तो ही क्या है? प्रोनाउन। अब यहां ही क्या है? प्रोनाउन। ये किसी इंसान के लिए यूज हुआ है, किसी इंसान के बदले यूज होता है। हो सकता है लुक सलमान इज सिटिंग, या किसी के नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको नहीं पता है नाम तो वह भी बोल सकते हैं कि वह यहाँ पे सिटिंग था। जैसे कोई इंसान है बारात में आया हुआ, बोलेंगे यहाँ पे कौन बैठा था, तो बोलेंगे वह बैठे थे। अब मुझे नाम ही नहीं पता है कि उनका कौन बैठे थे, तो बोलेंगे ही इज सिटिंग या ही वॉज सिटिंग, ठीक है। अब यह इज क्या है और सिटिंग क्या है? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अब वर्ब क्या होता है? देखिए वर्ब होता है एक्शंस, कुछ करना, जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, खेलना, डांस करना। ना जिसमें आता है, जिसमें ing लगता है, किसी में ses लग सकता है, या जैसे राइट, रोट, रिटन, जो वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री होता है, वो सारे वर्ब्स होते हैं, ठीक है। अब सलमान में ed नहीं लगा, सलमांड नहीं होगा, ठीक है, सलमांस नहीं होगा, तो ये वर्ब नहीं है, नाउन है। इसका तीन फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन वर्ब का तीन फॉर्म होते हैं। तो आपको पता चल गया, वर्ब वो होता है जिसमें करना, एक्शंस की बात हो या किसी स्टेट का, किसी स्टेट की बात हो कि किसी अवस्था में हो, जैसे वो दौड़ रहा है, किसी अवस्था में हो या कोई एक्शन कर रहा होगा, इसको बोलेंगे वर्ब। वर्ब समझ गया? लिखना, पढ़ना, गाना, सोना, पढ़ना, देखना, ये सारे वर्ब है। इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है, जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, सुनना हो गया, खेलना हो गया, ये सब काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, या किसी स्टेट में होना, उसको बोलेंगे वर्ब। तो यहां देखिए बैठ रहा है, बैठना, ना आ गया लास्ट में ना, तो सिट, ये वर्ब हो गया। इज भी यहां हेल्पिंग वर्ब है। अब ऑन, ऑन क्या है? यहां प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? देखिए प्रीपोजिशन वो होता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है इंसानों में या चीजों में। जैसे वो बैठ रहा है, मैं बैठ रहा हूं, किस पे? उसके ऊपर, उसके नीचे, कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वालों को, शब्दों को बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि एट, ऑन, ओवर, सिंस, फॉर, ये क्या करता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। किसी भी इंसान में कर सकता है या किसी चीजों में कर सकता है। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। तो यहां देखिए, यहां ही है और यहां चेयर है, तो चेयर पे बैठ रहे हैं वो, तो पर ही और चेयर के बीच में जो रिलेशन एस्टेब्लिश किया है वो है ऑन, मतलब उसके ऊपर बैठ रहे हैं, ठीक है।
तो प्रीपोजिशन क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, जैसे एट, ऑन, ओवर, सिंस, जैसे प्रीपोजिशन का मैंने क्लास लिया है वो सारे प्रीपोजिशन है। ये शब्द क्या है, सारे प्रोपोजिशन है, शब्द मतलब वर्ड। अब आगे देखते हैं एन ओल्ड। अब ओल्ड क्या है, ए एन डी तो आर्टिकल है, ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, देखिए विशेषता, क्या होता है, विशेषता, विशेषता, विशेषता बताता है, जैसे वो ब्यूटीफुल है, वाओ ब्यूटीफुल है, अच्छा है, बुरा है, ये डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन या प्रोनाउन को, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि सलमान स्मार्ट है, तो स्मार्ट कौन है, सलमान है, तो सलमान को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हो, किसी चीज का विशेषता बताना ही एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए चेयर, चेयर क्या है, बैठने वाला चीज का नाम है चेयर। ठीक है, चेयर लेके आओ तो कुर्सी का नाम है चेयर। ठीक है, बैठने वाला एक चीज बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं चेयर। ठीक है, तो किसी चीज का नाम है इसलिए ये नाउन हो गया। नाउन किसी चीज या किसी इंसान का नाम को नाउन कहते हैं, किसी भी चीज या इंसान को नाम को नाउन बोलते हैं, किसी भी चीज या इंसान के नाम को नाउन बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड है, नाउन है, पेन है, नाउन है, ये जो भी चीज है, हम, मैं इंसान हूं, मैं नाउन हूं। ठीक है, किसी भी चीज का नाम या किसी इंसान का नाम को नाउन बोलते हैं। अब यहाँ एंड देखिए, एंड क्या है, कंजक्शन है, यहाँ जंक्शन से तो पता चल रहा है कि जुड़ा हुआ चीज। कंजक्शन किसे बोलते हैं, देखिए ज्वाइन वर्ड्स, जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, जैसे कि एंड, और, बट, एज वेल एज, येट, सो, नॉर, नाइदर, ये सब क्या है, ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सारे कंजक्शन हैं, जो कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए काम आते हैं, जोड़ने के लिए काम आते हैं। जैसे क्या होता है कि फेविक्विक होता है ना, साटने के लिए काम आता है, कोई दो चीज साटने के लिए काम आता है, फेविक्विक हो गया, फेविकॉल हो गया। ये जो प्लाई है ये भी चिपकाया गया है, प्लाई के ऊपर सनमाइका है ये बोर्ड, तो दो चीजों के बीच में चिपकाने वाले को बोलते हैं एडहेसिव। उसी तरह एडहेसिव समझ लीजिए, गोंद समझ लीजिए, एंड वही गोंद है जो दो वर्डों को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एंड है वो गोंद है, ज्वाइन करता है, और भी ज्वाइन करता है, बट भी ज्वाइन करता है, एज वेल एज भी ज्वाइन करता है, येट भी, सो भी, नॉर भी, ये सब एक दूसरे का शब्दों को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये समझ लिए गोंद है जो कि कंजक्शन है। अब देखिए इज स्नोरिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज स्नोरिंग, स्नोरिंग मतलब खर्राटा लेना, लास्ट में ना आ गया ना तो वर्ब हो गया यानी क्रिया हो गया। लाउडली, खर्राटा तो ले रहा है लेकिन खर्राटा धीरे से ले रहा है या जोर से ले रहा है, आहिस्ता से ले रहा है या जोर से ले रहा है खर्राटा, तो यहां लाउडली तेज से, तो ये लाउडली किसका विशेषता बता रहा है, ये वर्ब का, तो देखिए यहां डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, देखिए वर्ब में एडिशन हो गया, इसमें दो पार्ट है एडवर्ब, तो डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो जो डिस्क्राइब करे वर्ब को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, जैसे स्लोली, बैडली, स्वीटली, सैडली, ये सारे एडवर्ब है, यानी वर्ब में एड हो गया। ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है या डिस्क्राइब कर सकता है, एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, तो ये थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा बेटर होता है, एग्जाम्पल समझने से चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो ये एक सेंटेंस था जिसमें आठों के आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए हैं, उसी तरह एग्जाम में एक सेंटेंस देगा और पूछेगा इसमें ही क्या है, इन आठों में से बताइए, कोई ना कोई तो होगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, अब इसमें पूछेगा कि ये टीचिंग क्या है, तो टीचिंग वर्ब है आपको पता हो गया। आई क्या है, मेरे अली सर के बदले आई आया है, तो ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन, अगर मैं कहता कि अली इज टीचिंग, अली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अली क्या हो गया, नाउन हो गया, टीचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, इज भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, मदद करने वाला वर्ब, तो यहां आई था वो अली जी के बदले में था, तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन, इस नाउन के बदले आई आया है। जैसे ही हो गया, शी हो गया, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या है, प्रोनाउन, जो नाउन के बदले आते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं।
तो कोई भी सेंटेंस दे देगा, जैसे मान लीजिए कि मैं बोल दूंगा जामिया जामिया इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो जामिया क्या है, यूनिवर्सिटी का नाम है, तो ये हो गया नाउन, जामिया यूनिवर्सिटी का नाम है। ब्यूटीफुल क्या है बताइए, ब्यूटीफुल क्या है, यहां दिखाया ना ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है जो कि जामिया के बारे में बोल रहा है कि जामिया खूबसूरत है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, ये देखिए नाउन को जो डिस्क्राइब करता है, ये नाउन है जामिया का, डिस्क्राइब जो करता है कि ब्यूटीफुल है, कौन ब्यूटीफुल है, तो जामिया ब्यूटीफुल है, तो नाउन को जो विशेषता बताता है, नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। यूनिवर्सिटी मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय, तो यूनिवर्सिटी क्या हो गया, मैंने बताया ना किसी चीज का नाम, जहां हम लोग पढ़ते हैं उसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो जामिया को हम यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं, तो यूनिवर्सिटी क्या हुआ, यहाँ पे नाउन हो गया, क्योंकि हम एक इंस्टीट्यूट का नाम बता रहे हैं जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं, तो जामिया भी नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, यूनिवर्सिटी क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, ये सब नाउन ही है, किसी भी चीज़ का नाम है, एक बिल्डिंग है उसका नाम यूनिवर्सिटी है, एक बिल्डिंग है उसका नाम स्कूल है, एक बिल्डिंग है उसका नाम कॉलेज है, तो क्या है, नाउन है, क्योंकि कुछ बनाया हुआ उस चीज का नाम है, तो कोई भी चीज का नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, तो यहां यूनिवर्सिटी भी नाउन हो गया, जामिया भी नाउन हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया, ए आर्टिकल हो गया, और इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आते हैं कि सेंटेंस दे देंगे और पूछेंगे इसमें जामिया क्या है, तो ये तो नाउन है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, यूनिवर्सिटी क्या है, नाउन है। तो ये आपको नोट्स इसकी बनानी है, और नोट्स बनाने से भी ज्यादा फायदा होगा क्वेश्चंस करना है, अगर क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगले लेक्चर में जरूर कोशिश करेंगे, आने वाले वीडियोस में कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे हमारा कंसेप्ट पानी की तरह क्लियर हो जाए और आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन आसान हो जाए और निकल भी जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।